नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ कंट्रोल की, और कार्ड ऑफ कंट्रोल को हम कंपेयर कर रहे हैं द किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो कंट्रोल को समझने से पहले राइडर वेट के कार्ड द किंग ऑफ सॉर्ड्स को समझेंगे। तो एक तो ये बात पहले समझने की है कि जो सॉर्ड्स एलिमेंट है वो मैस्कुलिन है, और किंग जो है वो भी मैस्कुलिन है। तो जब मेल एनर्जी के पास मैस्कुलिन पावर आती है तो द कार्ड बिकम्स वेरी पावरफुल, वो कार्ड बहुत पावरफुल हो जाता है। सॉर्ड जो है स्टैंड करता है इंटेलेक्ट के लिए, थॉट की पावर के लिए, क्लैरिटी के लिए। तो ये किंग कुछ ऐसा है जो अपनी लाइफ को एक क्लैरिटी में जीता है, जिसके पास एक विजन है, जिसके पास थॉट की पावर है। इस किंग के पास पोटेंशियल है अपनी लाइफ को प्लान आउट करने की। तो अगर हम इस कार्ड को कार्ड ऑफ कंट्रोल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कार्ड पूरी तरह से जो है कार्ड ऑफ कंट्रोल के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड के पास जो है थॉट की पावर है, जिसकी कैपेसिटी के कारण उसकी लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले व्यक्ति का इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, वो एक टीचर की तरह भी हो सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो सकता है सोसाइटी के अंदर, और वो बहुत लोगों का आइडियल भी हो सकता है। तो एक ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी किंग ऑफ सॉर्ड्स की। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ कंट्रोल की। कार्ड ऑफ कंट्रोल के पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि इस फिगर को हमने कुछ इस तरह से दिखाया है कि वो एक फिक्स हो रखा है उस पोजीशन पे, कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, उसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि उसमें जो है स्पॉन्टेनिटी हो या फिर वल्नरेबिलिटी हो। स्पॉन्टेनिटी मतलब मूवमेंट में जीना, और वल्नरेबिलिटी मतलब अपने आप को जो है थोड़ा सा हल्का छोड़ना, रिलैक्स होना। लेकिन जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है। वो कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जो उसने सोचा ना हो, जो उसने प्लान आउट ना करा हो। वो कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जो कि स्पॉन्टेनियस हो। एक सबसे बड़ी बात जो है एक कंट्रोल आदमी की होती है कि उसके भीतर एक डर होता है, क्योंकि उसने जो है अपने आप को रिप्रेस किया होता है। एक रिप्रेस आदमी ही अपने आप को कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। अक्सर हम कंट्रोल को जो है डिसिप्लिन की तरह समझते हैं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। एक कंट्रोल्ड आदमी के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो सकता, और एक डिसिप्लिन आदमी के अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन, जिसको हम अनुशासन कहते हैं, उसका जो रूट है, जो उसकी उत्पत्ति है, वो होती है लर्निंग से, सीखने के भाव से, जिसको हम स्टूडेंट कह सकते हैं, जिसको हम डिसाइपल कह सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन वर्ड का जो रूट है वो डिसाइपल से आता है, और डिसाइपल जो है कभी भी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। डिसाइपल जो है अपनी लाइफ जो है एक अंडरस्टैंडिंग में जीता है। सिर्फ दो ढंग से जो है आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, या तो अंडरस्टैंडिंग के साथ या फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जब आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ को जीते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, वहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपके भीतर जो है असली अनुशासन नहीं है। आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन गहरे में एक साधक जो है इस बात को समझता है कि सब चीज़ें जो हैं उसके हाथ में नहीं है। जो उसके हाथ में है वो यही है कि वो अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता है वो करे, लेकिन फल जो है उसके हाथ में नहीं है। और कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो है वो दो और दो चार बनाना चाहता है, वो अपनी लाइफ को जो है प्लान आउट करना चाहता है, वो डेफिनेट रिजल्ट्स चाहता है, वो अपने भीतर की सेंसिटिविटी को बाहर नहीं आने देता। एक कंट्रोल व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को जो है क्लीशे में जीता है, एक फिक्स वे में जीता है। जैसे कि आप जो है रोज़ किसी को मिलते हैं और उनको जो है नमस्ते करते हैं और बोलते हैं कैसे हैं आप, और उधर से उत्तर आता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ बात जो है कही जा रही है सिर्फ बोलने के लिए, गहरे में इसका कोई मतलब नहीं है। और वो कर भी हम इसलिए रहे हैं ताकि दूसरे से एक डिस्टेंस बना के रखें। अगर सच में हमने किसी को पूछना है कि आप कैसे हैं तो हमें उनके जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन एक कोल्ड व्यक्ति, एक कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप को पूरी तरह से बंद करके रखता है, वो अपनी लाइफ को जो है एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर जीता है। और यहाँ पे एक छोटी सी बस बात समझने को है कि अपनी लाइफ को जो है कंट्रोल में नहीं जीना, अपनी लाइफ को जो है अंडरस्टैंडिंग में जीना है। अगर आप जो है चीज़ों को समझने लग जाएंगे तो आपको जो है कभी भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंट्रोल ही तभी कर रहे हैं क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से भीतर से डरे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति
जो है चीज़ों को समझने लग जाता है, वो ये समझ जाता है कि उसको चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी बात है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब दूसरे के पेन को समझना, दूसरे की लाइफ को समझना, क्योंकि दूसरा जो है वो हमारे जैसा ही व्यक्ति है। जो उसके भीतर चलता है वो हमारे भीतर भी चलता है। और दूसरी बात जो है कंट्रोल करने वाले व्यक्ति के साथ होती है कि वो कुछ भी, कि उसको सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि कहीं उससे कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि भीतर से आप डरे हुए हैं कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात है यहाँ पे, अगर आपके भीतर जो है होश बनना शुरू हो जाए, अगर जो है आप चीज़ों को समझना शुरू कर दें, अगर आपके भीतर जो है ये अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाए, तो कंट्रोल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जो है आपके भीतर रिप्रेशन लेकर आएगा, आपके भीतर जो है दमन लेकर आएगा। और ये दमन कुछ ऐसा है, ये रिप्रेशन कुछ ऐसा है कि वो कभी ना कभी जो है वो फूटेगा। जो भी चीज़ आप कंट्रोल करते हो, जिसको भी आप कंट्रोल करते हो, चाहे अपने आप को चाहे किसी को, वो तत्व या वो व्यक्ति जो है वो आपसे हमेशा बदला लेगा। इसलिए कंट्रोल जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव स्टेट है, क्योंकि वो आपको स्वाभाविक नहीं होने देता। और एक व्यक्ति जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, उसके अंदर जो है नेचुरली जो है कंट्रोल का भाव नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को जो है मोमेंट टू मोमेंट जीने के लिए तैयार है। वो कुछ भी अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से अलाउ कर रहा है होने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेस होता है कि आपको जो है कुछ करके दिखा देना है। लेकिन एक रिलैक्स व्यक्ति जब वो इस भाव में होता है कि जैसे उसको लाइफ जो है लेके जाएगी, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, तब जो है जीवन का जो है फूल खिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन जो है बहुत सिंपल है, मैं ये कहूँगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सही है, तो मैं कहूँगा वो सही है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आए, जो आपकी समझ से आए, जो आपकी मैच्योरिटी से आए। एक कहानी मैंने सुनी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसको बहुत क्रोध आता था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता था। एक दिन जो है उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई और एक छोटी सी बात पे उसने अपनी पत्नी को मार डाला और उसको कुएं में फेंक दिया। उसके अंदर क्रोध की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग थी कि उसको जो है कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन वो कंट्रोल होती नहीं थी और उसके कारण जो है रिप्रेशन क्रिएट होता था। और अगर आपने किसी चीज़ को रिप्रेस करा है, वो कभी ना कभी जो है फूटता है। तो इस व्यक्ति ने जो है अपनी पत्नी को मार डाला। उसी वक्त की बात है, वहाँ से गांव से जो है एक जैन मुनि जो है गुजरते थे और इस आदमी को उनके बारे में पता चला और अंदर से जो है ये आदमी तड़प रहा था और बहुत ज़्यादा जो है अंदर उसके प्रायश्चित का भाव था। तो वो इस जैन मुनि के पास गया और उसने जो है कहा कि मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत क्रोध आता है। तो जैन मुनि ने कहा एक ही तरीका है क्रोध से मुक्त होने का, कि तुम संन्यास ले लो। और जैन मुनि का संन्यास कुछ ऐसा होता है कि वो अपने कपड़े भी छोड़ देते हैं। उनका जो धर्म है वो पूरा का पूरा जो है रिनाउंसिएशन का धर्म है, त्याग का धर्म है। इस आदमी को जब ये बात सुनाई दी तो अंदर से अहंकार तो बहुत स्ट्रांग था इसका, इसने उसी वक्त अपने सारे कपड़े जो है गिरा दिए और नग्न हो गया। और नग्न होकर जो है मुनि के पैर छुए, उसने कहा कि मुझे संन्यास दीजिए। मुनि भी थोड़ा चिंतित हुआ क्योंकि मुनि को खुद इतने साल लग गए थे इस पोजीशन में पहुंचने के लिए कि वो अपने कपड़े त्याग करता। तो ये देख के मुनि प्रसन्न भी हुआ, चिंतित भी हुआ। तो मुनि ने इसको नाम दिया शांतिनाथ। अक्सर जो है यहाँ पे हम लोगों का नाम जो है उनका अपोजिट दे देते हैं। इस आदमी का नाम होना चाहिए था क्रोधनाथ, लेकिन इस आदमी को नाम दिया गया शांतिनाथ। यहाँ पे अंधों को जो है हम नाम देते हैं नैनसुख। यहाँ पे अगर कोई स्त्री जो है सुंदर नहीं दिखती तो उसको हम सुंदरबाई कहते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से रिवाज रहा है। तो इस आदमी को जो है शांतिनाथ नाम दे दिया गया। अब शांतिनाथ जो है 20 साल जो है उन्होंने कड़ी तपस्या करी, त्याग किया और उनकी ख्याति जो है इस जैन मुनि से भी ज़्यादा हो गई और अब वो जो है मुनि शांतिनाथ के नाम से फेमस हो गए थे। एक दिन जो है उनके मित्र को जो है उनके बारे में पता चला। उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति है जिसने क्रोध में अपनी पत्नी को मार डाला था। तो वो एक बार ही जाना चाहता था, मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि सच में क्या अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो जब वो मिलने गया उनको, तो दूर से ही जो है शांतिनाथ ने उनको देख लिया था लेकिन इग्नोर कर दिया और ऐसे हो गए जैसे वो पहचानते नहीं है।
तो वो आदमी समझ गया कि अभी भी जो है ये आदमी वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन खैर अब वो आ गया था तो मिलने गया, तो वो शांतिनाथ के करीब बैठा और बोला कि बाबा आपका क्या नाम है। तो शांतिनाथ ने इतने क्रोध से उसकी तरफ देखा, उसने कहा तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं मुनि शांतिनाथ हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि माफ़ करना, मेरी ना थोड़ी ना मेमोरी कम है, मेरे को और सुनाई भी कम देता है, आपने क्या नाम बोला। उसने बोला मुनि शांतिनाथ। तो खैर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती रही और इस आदमी ने दोबारा से जो है उनको पिन मारने के लिए दोबारा से पूछ डाला कि स्वामी जी एक बार ही और अपना नाम बता दीजिए, मैं भूल गया। इस बार जो है शांतिनाथ ने डंडा उठा लिया था और वो मारने को ही था, एकदम से उसको जो है होश आया और रियलाइज़ करा उसने कि 20 साल उसने जो है अपने आप को कंट्रोल करा था, 20 साल जो है वो एंगर जो था उसके अंदर ही बैठा हुआ था, वो क्रोध उसके भीतर ही बैठा हुआ था और वो 20 साल जो है एकदम से जैसे गायब हो गए, वो 20 साल जो है सारे पानी में गए। इस आदमी के भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी। तो कहानी का मरम ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो कभी भी उसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। असली ट्रांसफॉर्मेशन जो है अंडरस्टैंडिंग से होगी, जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आप उनसे लड़ेंगे नहीं, जब आप उसकी ऊर्जा को जो है स्वीकार करेंगे और उसको जो है एक नई डायरेक्शन देंगे अपनी लाइफ में। क्रोध की अगर कोई ऊर्जा अगर आपके भीतर आई है तो वो एक तरह की ऊर्जा है, बस ये है कि वो अभी गलत जगह पे फंसी हुई है, उसको उससे मुक्त करना है। और मुक्ति जो है सिर्फ समझ से आती है, होश से आती है, ध्यान से आती है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।